हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दर्शन और आप देख रहे हैं टेक दर्शन ओनली ऑन डीवीटीवी। टेक दर्शन के इस एपिसोड में हम अनकट अनबॉक्सिंग करने वाले हैं द GoPro Max 360 की। वेल, बहुत कंफ्यूजन था मुझे कि भाई कौन सा वाला GoPro लूं, बिकॉज इस साल GoPro 8 हीरो 8 भी लॉन्च हुआ था, साथ में GoPro Max भी लॉन्च हुआ था। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस के बाद जब मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश करी और अपनी जेब टटोल के देखा तो बजट में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था, उस हिसाब से मैंने GoPro Max लिया। बट मैंने GoPro Max को बाहर से मेरे कजिन से मंगवाया ताकि मुझे सस्ता पड़े, बिकॉज इंडिया में 46,000 के आसपास ये GoPro Max मिल रहा है, बट मैंने ये अराउंड 42,000 के आसपास GoPro Max और साथ में एक बैटरी चार्जर और उसके साथ दो बैटरी एक्स्ट्रा मंगाई। तो मतलब मेरे पास टोटल 3 बैटरी हो जाएगी, बिकॉज एक इसके अंदर ही आती है और 2 बैटरी और एक चार्जर है। पर अभी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मेरे को रिव्यू करना है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझना है और आपको बताना है बहुत सारे, पर उससे पहले हम इसको एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। बॉक्स के ऊपर सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे GoPro Max का यूनिट है, एक बैटरी है, एक क्लैंप है और एक USB-C to USB केबल है, दो लेंस गार्ड है, दो लेंस कवर है, एक माउंट है और एक GoPro का ट्रेडिशनल स्क्रू है। और यहाँ पे GoPro की ब्रांडिंग दे रखी है, यहाँ पे GoPro के ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन है और ये चीज़ क्या क्या कर सकती है। तो 16MP का रेजोल्यूशन, अब यहाँ पे दो लेंसेज है, एक आगे और पीछे, तो 16MP का रेजोल्यूशन दोनों लेंसेज का है। 5.6K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड करेगा, बट 5.6K 30 फ्रेम्स पर रिकॉर्डिंग जो करेगा वो 360 डिग्री में करेगा। 2x स्लो मोशन है, साथ में मैक्स हाइपर स्मूथ है, मैक्स टाइम लॉक 1080p मतलब फुल HD जिसे बोलते हैं, उसका लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। आपका ये कैमरा हीरो कैमरा की तरह भी काम करेगा और एक 360 कैमरा की तरह भी काम करेगा। साथ में आपको मिलेगा पावर पैनो। बोला जाता है कि करीबन इसके अंदर सबसे वाइडेस्ट लेंस जो GoPro का आज तक का बना है, दैट इज 13mm का लेंस। जो हीरो 8 है वो मैक्सिमम 16mm का लेंस है, बट जो GoPro Max का 13mm का जो कहा जाता है GoPro का सुपर वाइड जो लेंस है वो इसके अंदर यूज किया है। तो इसके अंदर एक फायदा और मिलता है कि हीरो 8 से भी ये ज्यादा वाइड जाता है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पे अनबॉक्सिंग के लिए नीचे एक फ्लैप है जिसे हमें फाड़ना है। ओके यार, काश मैं मेरा कटर यूज करता, बट यहाँ पे पहले से ही चीज मेंशन थी। इसको निकालते हैं, और यहाँ पे आ गया हमारा GoPro Max। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म का कवर लगा हुआ है, चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव फिल्म का कवर है जिसके अंदर आपको बैटरी का इंडिकेशन, टाइम लिमिट रिकॉर्डिंग और मेमोरी कार्ड कितना रिकॉर्ड कर सकता है उसके बारे में। यहाँ से अगर हम स्क्रू अनस्क्रू करेंगे तब हमें GoPro Max मिलता है। इसको तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं और इस माउंट को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा हीरो 8 में दे रखा है वैसे ही यहाँ पे आपको फोल्डेबल माउंट मिलते हैं कि चाहे आप चाहें तो उसको किसी और तरीके से भी फोल्ड करके किसी केसिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेंस आपको आगे मिलता है, एक लेंस पीछे की तरफ मिलता है। यहाँ पे GoPro का बैजिंग है, यहाँ पे GoPro Max का बैजिंग है, यहाँ पे आपको एक LCD स्क्रीन मिल जाती है। ये हमारा बैटरी कंपार्टमेंट जिसको हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारा बैटरी और माइक्रो SD कार्ड डालने की जगह है। साथ में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो USB-C पोर्ट है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी जो हिंजेस रहते हैं, जो इसके क्लैंप्स रहते हैं, वो भी मार्केट में मिलते हैं और इसको निकालना बहुत ही ईजी आराम से निकल जाता है। आपको चाहे तो दूसरा अगर कुछ लगाना हो या इसको रिप्लेस करना है तो आप इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए इसको वापस लगाते हैं, चलिए इसको बाद रखते हैं वापस और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स को अगर हम लोग नीचे से ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें मिलता है पेपर वर्क, बहुत सारा पेपर वर्क है। कोई भी चीज़ को पढ़ने से यूज़ करने से पहले मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ उसका मैनुअल है वो एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे ओपन करते हैं, सबसे पहले तो हमको मिलती है GoPro Max की एक बैटरी जो कि यहाँ हमारे कंपार्टमेंट में लग जाएगी। बस कंपार्टमेंट में आप देख सकते हैं जब ये रेड कलर आपको दिखता है इसका मतलब आपका कंपार्टमेंट अभी तक अच्छे से लॉक नहीं हुआ है, ये आराम से खुल सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ओपन किया, हमारी बैटरी को इंसर्ट किया और उसके बाद अंदर लगा के ये, अब इसको फाइनल लॉक करने के लिए हमें ये रेड बटन को फ्लैप को ऊपर कर देना। अब ये फाइनली लॉक हो चुका है, चलिए इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या मिलता है। मिलता है हमें USB-C केबल जो इसके चार्जिंग के लिए काम आएगा, इसको साइड में रखते हैं। एक हेड आप बोल सकते हैं हेलमेट का माउंट है या कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक सर्कुलर माउंट है। अर्लियर जब भी GoPro लेते थे उसमें बहुत सारे मतलब कहते होलसेल रेट पे माउंट्स मिलते थे, बट अभी उन्होंने बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत जरूरी चीज़ है और बहुत सारे माउंट यूवी काम के होते नहीं है, कुछ काम में आते हैं कुछ काम में नहीं आते, पड़े रहते हैं। तो बेटर है कि आप अलग से उसका माउंटिंग का सेट
खरीद सकते हैं। चलिए और क्या हमें बॉक्स के अंदर मिलता है? ओके, यहाँ पे हमें मिलते हैं दो लेंस कवर्स। वेल, ये लेंस को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रहेंगे। लेंस थोड़े डेलिकेट है कंपेयर्ड टू हीरो 8, तो आपको बहुत संभल के लेंसेज को यूज करना है। साथ में हमें मिलता है एक पाउच। ओके, बॉक्स में इतना ही। बट एक बात आपको गाइस हमेशा बता दूं, एक ट्रिक है, कभी भी आप प्लेन सरफेस पे अगर आपको GoPro Max को या GoPro को यूज करना है तो इस चीज को फेंके मत। या आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे रख के। आप चाहे तो इसका जो ये ब्लैक पोर्शन है, ये वाला ब्लैक पोर्शन निकाल के किसी भी टेबल टॉप पर रखने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपना GoPro माउंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस कवर में क्या है। यहाँ पे हमें माइक्रोफाइबर का कवर मिलता है। ओके, यहाँ कुछ और है। ओके, ये हमें यहाँ पे मिल जाते हैं दो लेंस गार्ड जो इसके अंदर ही पाउच में है, जो हमारे लेंस के ऊपर लग जाते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, पहले लेंस कवर्स को और उसके बाद लेंस गार्ड को लगा देते हैं। वैसे GoPro के हिसाब से ये बैक है और ये वाला हिस्सा फ्रंट है, तो ये आपका लेंस गार्ड लग गया। तो बहुत जरूरी होता है, ज्यादा प्राइस नहीं है, बट ये लेंस गार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडर वाटर शूटिंग कर रहे हैं तो आप ये लेंस गार्ड यूज ना करें, बिकॉज इस लेंस गार्ड्स के अंदर पानी हो सकता है, आपकी फुटेज खराब हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये कैमरा वाटरप्रूफ है। साथ में जो कपड़ा है माइक्रोफाइबर है, इससे आप आपके कैमरे को, उसके लेंसेस को, उसकी स्क्रीन को अच्छे से साफ कर सकते हैं और इसको स्टोरेज पाउच की तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाता है हमारा पावर बटन और मोड बटन, ऊपर की तरफ हमारा रिकॉर्डिंग बटन, और इसके अंदर 6 माइक्रोफोन्स इसके अंदर इनबिल्ट है, तो आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। वेल, अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर एसडी कार्ड नहीं है, तो अब जरूरी है हमारे लिए इसके अंदर एसडी कार्ड डालने का। बट उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे आपको क्या क्या मिलता है। द बेस्ट पार्ट, अभी आप जो देख रहे हैं ये पीछे वाला पोर्शन है, साथ में अगर आप यहां पे टैप करते हैं और इस बटन को करते हैं तो यहां पे आपको मैं मिल जाता हूं फ्रंट लेवल के अंदर। तो अगर जिनको ब्लॉगिंग का शौक है, जैसे मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हीरो 8 के लिए उन्होंने मीडिया मॉड निकाला जिसका अलग प्राइसिंग है, उसके अंदर आपको एलसीडी अलग से मिल सकती है, शॉटगन माइक मिलेगा और एक केसिंग मिलेगा जिसके अंदर एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये सोचना था कि ब्लॉगिंग के लिए बंदे को सामने सामने देखना होता है, इसके लिए मैंने ये सोचा कि यार GoPro Max एक परफेक्ट है, क्योंकि एक ही पैकेज के अंदर हमें सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपनी ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, अगर आप ब्लॉगिंग में नए हैं किसी हिसाब से भी आप चाहें तो अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अभी बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको यहाँ पे, अब हम लोग कैमरा को यहीं के हमने टर्न कर दिया। अब जब हम लोग यहाँ पे एल पे क्लिक करेंगे, ये आ गए हमारे लेंसेज का सेटअप। चलिए मैं एक एक करके आपको लेंस बताता हूँ। ये हो गया मैक्स सुपर व्यू, सबसे वाइडेस्ट लेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, जितना इतना वाइड है। जैसे आप देख सकते हैं कि इतना पास होने के बावजूद मेरा आई मैक यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है। एम को मैंने वापस क्लिक किया। अब आई बारी सेकेंड वाले लेंस की, जैसे वाइड, उसके बाद लीनियर। लीनियर में क्या होता है, आपको कर्व्स नहीं मिलता है, और फिर आता है नैरो। तो बहुत चार तरीके के लेंस जो बोलते हैं डिजिटल लेंस है, उस तरीके से आप शूट कर सकते हैं। और हीरो 8 से 16 mm तक जाता है, GoPro Max 13 mm तक जाता है, विच मेक्स इट वाइडेस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट जो मेरे को ब्लॉगिंग के हिसाब से लग रहा है कि आप इसको फ्रंट स्क्रीन में कन्वर्ट करके आप जैसे चाहे अपने व्यूअर्स के साथ बात करके इसको, और ज्यादा आपको हाथ लंबा करने की जरूरत नहीं है, इतना पास में भी आप फुल फ्रेम में आप यहाँ पे दिखने लगेंगे और बहुत सारे रेजोल्यूशन के साथ मिलता है। अब और इसका एक दूसरा पॉज है कि ये 360 में रिकॉर्ड करता है। GoPro ने लॉन्च किया था हीरो फ्यूजन, जो भी 360 में रिकॉर्ड होता था, पर उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसके अंदर 2 एसडी कार्ड लगते थे, अलग अलग रिकॉर्डिंग होता था, फिर उसको स्टिच करना पड़ता था। GoPro Max में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, आपको एक ही मेमोरी कार्ड लगाना है, एक ही मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग होती है। और द बेस्ट पार्ट जो उसका एप्लीकेशन है, उसमें आप रीफ्रेम कर सकते हैं और रीफ्रेम करके अपने वीडियोस में जो दिखाना चाहे, भले आप 360 में शूट कर रहे हो, भले पूरा शूट कर रहे हो, बट अगर आपको सिर्फ फ्रंट स्क्रीन में 16:9 में जो दिखाना है, आप उसको रीफ्रेम करके वो सामने दिखा सकते हो, और फाइनल रेंडर में आपको ऐसा लगेगा कि 2 कैमरा सेटअप है या 3 कैमरा सेटअप है। बहुत सारी प्रोफेशनल एडिटिंग में आप इसको यूज करके 2-3 कैमरा सेटअप सिर्फ एक ही कैमरा से कर सकते हो। तो कहें तो वर्डिक्ट की बात आती है गाइस, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, एक इशू जो मुझे लगा इसके अंदर जो है कि जब हम लोग अंडर वाटर जाते हैं तो अंडर वाटर इसके लेंस के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपको क्लैरिटी इतनी नहीं मिलेगी। बट हम लोग भाई कितना अंडर वाटर जाते हैं, एक लिमिट तक, मैक्सिमम तो हम लोग जमीन पे ही रहते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा अंडर वाटर कब जाएंगे, या तो हम गोवा जाएंगे या अंडमान जाएंगे या आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, तो स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग ले जाएंगे तब हम अंडर वाटर जाएंगे। बट वाटर प्रूफ होने की वजह से आप इसे कभी भी कहीं भी शूट कर सकते हैं, बारिश का सीजन हो, कुछ भी हो, तो कहीं भी आप इसे शूटिंग कर सकते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने थोड़ा साइड में रखा, और बाकी सारे पर्क्स को ध्यान रखते हुए मैंने GoPro Max लिया। साथ में मैंने एक बैटरी चार्जर भी लिया है। बिल्कुल, ये बैटरी चार्जर कुछ इस तरीके से आया था। तो मैंने लिया था, तो पहले तो आया एक चार्जर जिसके साथ एक बैटरी है,
GoPro Max के साथ एक बैटरी और मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी और ले ली। तो अब ये मेरा पूरा यहाँ पे तीन बैटरी का सेट हो गया। इसके अंदर यहाँ पे USB-C पोर्ट है जिससे मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। दो LED इंडिकेटर मिलते हैं जो बैटरी का इंडिकेशन देते हैं, चार्जिंग होने पे ऑरेंज रहता है और जब पूरी तरीके चार्ज हो जाती है तो ग्रीन हो जाता है। तो अभी पूरा गए तो एक बैटरी करीबन फुल HD व्यू पे करीबन 1.5 से 2 घंटे का रिकॉर्डिंग टाइम देती है। तो अब मेरे पास अगर किसी आउटडोर ट्रिप पे जा रहा हो तो अच्छा खासा एक बैटरी का बैकअप भी मिल जाता है और मुझे ये नहीं सोचना है कि यार मेरी GoPro में बैटरी लगी तो मैं चार्ज कैसे करूं। मेरे पास एक सेपरेट बैटरी बैकअप मिल जाता है जो एक वर्थ एक्सपेंडिचर है और जो टोटल कैलकुलेशन में 42,000 के अंदर आ चुका है। बट अभी इस बार ये इसको यूज़ करने की, इसको यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा, इसका रिव्यू आपको बताऊंगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए इसके लिए। पर अभी समय आ चुका है मेरे जाने का। जाने से पहले वही दरख्वास्त, वही गुजारिश, वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको GoPro Max से किसी भी तरीके का क्वेश्चन, सवाल, परेशानी, दिक्कत कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का, आपके सवाल का जवाब देने का पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ दर्शन पूरा करता है, आप लोगों से साइन ऑफ। आप लोग कहीं मत जाइए और बने रहिए, देखते रहिए DVTV।